जी राधे राधे। मेरा नाम अनुज है। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल का तो मुझे आधा आंसर पता है और दूसरा सवाल का मुझे आंसर नहीं पता। पहला सवाल ये है गुरुजी कि हम सब भगवान के पुत्र हैं तो, और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को, तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? मृत्यु दुखदाई नहीं होती, ये बात सही है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई लिखा है, दर्द बहुत होता है, परंतु किसका किसको दर्द होता है? भाई जो संसार से ज़्यादा अटैच है, जो संसार से ज़्यादा जुड़ा है, उसकी मृत्यु में उसे दर्द पीड़ा ज़्यादा होती है। पर जो भगवान से जुड़े भक्त हैं उनकी मृत्यु यूं चुटकियों में हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता ज़्यादा, पीड़ा नहीं होती ज़्यादा। तो मृत्यु संसारिक लोगों की बड़ी दर्दनाक होती है, तो कोशिश ये करें कि हमारा मन भगवान में लगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है, कैसे भी मरना हो मरना तो पड़ेगा। दर्दनाक की बात रही तो वो दर्द इसलिए है, वो दर्द इसलिए मिलता है कि माँ जब गाल में आपके छप्पड़ मारती है ना तो दर्द बहुत होता है, लेकिन वो दर्द का मतलब माँ आपसे दुश्मनी रखती है या आपका नुकसान चाहती, इसलिए माँ छप्पड़ नहीं मारती। माँ यदि गाल में एक चांटा मारती है ना तो उसमें भी बच्चे का हित तो होता है। भगवान दर्द इसलिए देते हैं कि बेटा देख इतना दर्द होता है, तो ऐसे कर्म करके अब इस चक्कर में ना आना पड़ा, मेरी शरण में रहे, इसलिए दर्द देते हैं। इसलिए थप्पड़। दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरी कोरिया की एक फ्रेंड है, साउथ कोरिया की, और उसका कहना कि यार ये बताओ आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता है क्या? हमारे मतलब उसका कहना है कि हमारा जो भारत है 2.5% पूरे वर्ल्ड में कवर करता है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भारत में ही बोले जाते कि इतने करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों देवता हैं, तो हमारा क्या? भगवान की व्यापकता तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, कहीं हो, जर्मनी हो, इटली हो, कहीं हो, भगवान सब जगह है। और भगवान का भक्त जो जहाँ से पुकारेगा भगवान वहाँ है। पर एक बात देखिएगा कि क्या केसर की खेती हर जगह हो सकती है? जी नहीं। केसर के लिए अनुकूलता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की सब चीज़ें अनुकूल चाहिए, केसर हर जगह नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान का अवतार वहीं होता है जहाँ भक्तों की अनुकूलता उन्हें प्राप्त होती है, वहाँ अवतार लेते हैं। हर देश को देश कहा जाता है, एक भारत को ही माँ कहा जाता है, भारत माता। माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ माँ होगी वहीं तो राम और कृष्ण जैसा बेटा होगा। तो जैसे केसर के लिए कश्मीर अनुकूल है, केसर के लिए कश्मीर अनुकूल है, सेब के लिए वो अनुकूल है, केले के लिए वो अनुकूल है, अंगूर के लिए वो राज्य वो क्षेत्र ज़्यादा अनुकूल है, वहाँ ज़्यादा होता, उसलिए भगवान के लिए भारत की धरती, गंगा यमुना की धरती अनुकूल है। बाकी यहाँ से भक्तों के रूप में उनके भक्त, आप जैसे भक्त जाएं विदेशों में प्रचार करें, हमारे विवेकानंद जी गए और प्रचार करके आए धर्म का। तो पहले क्या था कि कोई देश था ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, आपको क्या लगता है भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? गुरुजी अभी तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से 2.5% है वर्ल्ड में। देखो ऐसा है आज के हिसाब से है ना, आज तो हमारे सामने ही देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान एक टुकड़ा है ना, नेपाल एक टुकड़ा है, बांग्लादेश एक टुकड़ा है ना। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन को कह रहे हैं भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित करते हैं, भगवद गीता में भारत कई जगह भगवान ने कहा। तो अखंड भारत क्या था? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपकी नजर जा रही है, जहां आपको पांव रखने की जगह मिल जाए, वो सारी धरती भारत की धरती है। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कोई पेरिस था ही नहीं। हुआ क्या, हमारे देश में राजा हुए, जो आदमी गलत करता था उसे ना देश निकाले का दंड दिया जाता, इसको देश निकाल दो, देश से निकाल दो। तो वो देश निकाला, दंड दिया गया, तो वो पूरा परिवार उठाता, नाव में बैठता और वो समुद्र में, अब उसे मरना था, यहाँ रहेगा तू दुष्ट, तूने गलत किया है, दंड है, या यहाँ रहेगा तो मर और बचना है तो जा। तो देश निकाला दिया,
तो वो नाव में बैठा चला गया। जिस टापू पर उसकी नाव जाके रुक गई, उसका परिवार वहीं रहने लग गया। वहाँ रहते रहते वहाँ खान पान वहाँ का जीवन करने लगा। ये समुद्र के छोटे छोटे टापू ही तो हैं। अमेरिका क्या है, एक टापू है। जापान क्या है, एक टापू है। छोटे छोटे जो जहाँ जगह मिली जिसे वहाँ जाके रहने लगा अपने परिवार के साथ। ये बात हुई लगभग आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। धीरे धीरे करके वो लोग 2 से 4, 4 से 6 वहाँ की भाषा, वहाँ की जलवायु उनके अनुकूल होती चली गई और वो धीरे धीरे कंट्री के रूप में डेवलप होते चले गए, एक देश के रूप में स्थापित होते चले गए। तो ये पूरा जितने भी धर्म है कहाँ से निकले हैं, सारे पंथ कहाँ से निकले हैं। जैसे गंगा की, एक गंगा की धारा से अनेक अनेक नहरें निकलती हैं, नहरें। उसी तरह एक सनातन धर्म की अनेक अनेक नहरें हैं। ये जो बाद में मतभेद मनभेद के कारण, जैसे एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हो गया, भेद हो गया, तुम अलग बनाओ खाओ, हम अलग बनाए खाएंगे, तुम्हारे कुल देवता अलग हो जाएंगे, आज से कुल देवता वही रहेंगे पर अलग अलग हो जाएंगे, तुम्हारी पूजा की पद्धति अलग होगी, हमारी पूजा की पद्धति अलग होगी। वही एक भाई की तरह बंटवारा जैसे हो गया, ये धीरे धीरे ये सब देश, इन्हें कहते हैं म्लेच्छ। इन्हें मिले, जब भगवान ने मारीच को बाण मारा, मारीच को बाण मारा तो मारीच जाके कहाँ गिरा, मॉरिशस में। आज उस देश का नाम है मॉरिशस, मारीच के नाम से मॉरिशस। तो मॉरिशस मीन्स मारीच की नगरी, राक्षसों की नगरी। तो जहाँ मारीच जैसे राक्षस होंगे वहाँ का खान पान क्या होगा, वो क्या खाते थे, आदमी खा जाते थे, सुअर खाते थे। तो आज भी लोग वो कल्चर मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम भारतीय हैं तो हमारे देश में ये सारी जगह ना दुष्टों के लिए छोड़, तुम दुष्ट आदमी हो ना, अब कौन कितनों को मारे, चलो भगाओ, देश ने काला दे दिया। ये काल यवन, ये म्लेच्छ, ये यवन तो थे, काल यवन को मुचकुंद ने मारा। तो भागवत जी में जो महाभारत हुआ, उस महाभारत में भी विदेशों से लोग आए हैं। तो विदेशों से आने का मतलब यही था कि उस समय पर ये देश थे, छोटे रूप में थे, छोटी सेना थी, एक राजा था, है ना, उनका खान पान कल्चर अलग था। अब वो इस बड़े कंट्री के रूप में उभर के आ गए हैं। तो है ये सब भारत ही। अब अफ्रीका क्या है, पूरा, अब देखिए हमारे पूरी दुनिया में किसी देश किसी के नाम का सागर नहीं है, लेकिन आज भी हमारे नाम का एक सागर है, हिंद महासागर, जो वेदों में नाम है, आज भी उसे हिंद महासागर, हिंद मींस हिंदू महासागर, हिंदुओं का, संस्कृति सनातनियों का ये सागर है, सनातनियों का ये देश है। अब तो देखो पाकिस्तान भी कहता है ये मेरा, तो कोई उसके बाप का थोड़ी था, हमारा ही था, उसी तरह सब हमारा था, बाद में सबने कब्जा कर लिया, मेरा मेरा मेरा, वही है। ट्रेन में जब आप बैठते हैं ना, तो जो सीट में बैठ जाता वही कहता ये सीट मेरी है, फिर दूसरे स्टेशन से दूसरा चढ़ेगा वो बैठ जाएगा, ये सीट मेरी है, अब बताओ वो सीट किसकी है। बस वही है जिसको जो सीट में लगाई वो कहने लगा मेरी है, वही बात है। तो ये भारत सनातन धर्म अनादि है। जितने सूर्य भगवान जितने पुराने हैं, जितना पुराना चंद्रमा उतना पुराना ये धर्म संस्कृति हमारी, ये भारत देश। कितने लोग आए मिटाने के लिए, कितने धर्म मिट गए, पारसी यदुही सब खत्म हो गए, कहाँ बचे पारसी, कहाँ बचे यदुही, समाप्त हो गए। लेकिन हमारे सनातन धर्म को मिटाने मुगल आए, अंग्रेज आए, कौन कौन नहीं आए, मिटाने की पूरी कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा जिसे आप विश्वविद्यालय कहते हैं, आग लगाई थी मुगलों ने, क्या हुआ, 11 महीने तक आग लगी थी चाणक्य की पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, आग को, उन पुस्तकों को जलाने के लिए 11 महीने का समय लगा, आग भी ना जला पाई। क्या क्या जलाओगे, हमारे यहाँ तो वेद कंठस्थ किए जाते थे, क्या जलाओगे। तो हमारी संस्कृति आज भी जस की तस है, मिटाने की सारी कोशिश की। 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल की स्थापना हुई, इंग्लैंड में, इन देशों में सबसे पहला स्कूल कब बना, 1811 में। 1811 में जब पहला स्कूल विदेशों में बना, पहली शिक्षा तैयार हुई, उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे सुचारू रूप से। गुरुकुल, राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, कृष्ण जी गुरुकुल पढ़ने गए उज्जैन, गुरुकुल कितने पुराने, राम जी कितने पुराने, 8 लाख साल पुराने। तुम 1800 की बात करोगे, मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से आगे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, हमारे पास तो राम जी का इतिहास जो 8 लाख साल पहले इस धरती पर अवतार लेकर आए, आज भी सेतु उनका जीवित है।
तो क्या क्या मिटाएगा, क्या क्या मिटाएगा। मुगलों ने बहुत चीज़ों के नाम बदल दिए, इनके शहर के नाम बता दिए, प्रयागराज का नाम कर दिया, इलाहाबाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर गंगा का नाम बदलना भूल गए, यमुना का नाम बदलना भूल गए, हिमालय का नाम बदलना भूल गए। बताइए, आज धरती को, पूरे विश्व को आयुर्वेद की ज़रूरत है या नहीं, है या नहीं? आयुर्वेद में भी वेद जुड़ा है कि नहीं? आयुर्वेद में वेद शब्द है कि नहीं? क्या करोगे साहब, कितना मिटाओगे, फिर भी ये वेद जीवित है, आयुर्वेद वेद जुड़ा है, तो वेद जीवित हैं, जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे, क्या क्या मिटाओगे, कितना मिटाओगे। तो ये पूरा बहन से बोलना जो आपकी, वो बोले आप जिस धरती पे हो वो भी भारत की धरती थी, बाद में लोगों ने लिया। गुरु जी, आपके मन से एक नारा लगाना चाहूंगा, बोलिए, भारत माता की जय हो।